हाय दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है स्टॉक ट्रेनर के हिंदी यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संदीप अहलावत। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये बताया था कि बाजार को आप नीचे के लेवल्स पर बाई करके चलिए और उसका जो आपको स्टॉप लॉस दिया गया था वो 9860 के आसपास का था। जैसा कि जो कल के टेक्निकल्स बाजार के अंदर एक बाइंग का सिग्नल दे रहे थे, उसी प्रकार हमने जो आज की ओपनिंग करी वो थोड़ी पॉजिटिव थी और हम 9900 के ऊपर खुलने में कामयाब रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि थोड़ी देर बाद जो न्यूज़ ब्रेकआउट हुई कि किस प्रकार से जो इंडियन आर्मी उसमें एक नागालैंड के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, तो उस जो सर्जिकल स्ट्राइक की एक बैड न्यूज़ थी उसको उसने बाजार के जो सेंटीमेंट्स हैं उनको हिट किया और वहां से बाजार के अंदर हमें एक सेलिंग ट्रिगर होती हुई नजर आई और हमने बाजार के अंदर काफ़ी लो लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग दी, यानी कि 9735 के आसपास हम क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, एक तरह से ये देखा जाए कि जो कोई भी बाजार के अंदर बैड न्यूज़ चल रही है, चाहे वो फेड के रेट हाइक की हो या इंडिया की जो ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है उसकी हो या फिर आज की ये सर्जिकल स्ट्राइक, इसने बाजार के जो टेक्निकल्स हैं उनको थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि बाजार जो है वो क्वेश्चन जो टेक्निकल्स हैं उनको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहा और किसी भी न्यूज़ फ्लो से ड्राइव आजकल हो रहा है। तो आज बाजार ने दो बाजार के अहम इंपोर्टेंट लेवल को जो तोड़ के नीचे की तरफ आया है, उसके अंदर पहला जो लेवल था वो 9860 के आसपास का था और दूसरा जो 9750 जो काफी बड़ा एक सपोर्ट का काम कर सकता था बाजार के लिए, उसको भी ब्रेक करके हम नीचे की तरफ आते हुए नजर आए। तो अगला जो बाजार के अंदर एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है वो हमारे पास आता है 9700 से लेके 9680 के आसपास का। ये जो 20 पॉइंट की रेंज बाजार के अंदर है, ये बाजार का एक बड़ा ही अच्छा डिमांड जोन हो और यहाँ पर एक बाइंग आने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो ट्रेडिंग यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, यानी कि अगर आप बाजार के अंदर कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो बाजार बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है और आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं और बाइंग भी यहाँ पर नहीं बनती, क्योंकि अभी तक बाजार ने कोई रिवर्सल के संकेत नहीं हमें दिए हैं। दोस्तों, अगर डेली चार्ट्स की बात की जाए तो आज हमें एक 100 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे का एक ब्रेकडाउन देखने को मिला जो बाजार के लिए काफ़ी नेगेटिव कह सकते हैं हम लोग। लेकिन जो अगला स्पॉट उभर के बाजार के लिए आता है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 9250 काफ़ी दूर है, लेकिन अगर पहले स्विंग लो देखे जाए बाजार के तो नया एक जो अगर 9680 टूटता है तो 9500 तक के लेवल्स बाजार के अंदर नीचे की तरफ खुल जाएंगे और हो सकता है कि हम 9500 तक की गिरावट भी बाजार के अंदर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीकली चार्ट्स की बात की जाए तो वीकली चार्ट्स पर अभी हमें कोई बाजार के अंदर ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो मार्केट है उसने जो उसके प्रीवियस से जो एक लंबी कैंडल के लो थे 9680 के आसपास के उनको ब्रेक नहीं किया है और हम उनके ऊपर ही लगातार ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए किस प्रकार से वीकली चार्ट्स पर अभी भी हम जो एक लंबी कैंडल थी उसके ऊपर ही बने हुए हैं। अब देखते हैं कि 9680 के आसपास से जहाँ हमने पहले रिकवरी देखी थी वहां से हम रिकवर हो पाते हैं या उसको ब्रेक डाउन करके बाजार के अंदर नीचे की तरफ जाएंगे। दोस्तों, एफएनओ डाटा ने भी आज हमें थोड़े मंदी के संकेत बाजार के अंदर दिए हैं, क्योंकि जो ओपन बाजार है 1.5% नीचे बंद हुआ है फ्यूचर्स के अंदर और जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी नीचे, यानी 7% नीचे आया, वो हो सकता है रोल ओवर्स के कारण हो। दोस्तों, अगर एफएनओ डाटा की बात की जाए तो कॉल पुट के अंदर हमें हर ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिली है 9800 पे 28 लाख और 9750 के पास पास हमें 15 लाख शेयरों में ओपन इंटरेस्ट जुड़ते हुए नजर आया है। लेकिन जहां एक थोड़ी पॉजिटिव बात नजर आ रही है वो ये कि पुट राइटर्स अभी पीछे नहीं हटे हैं और जो 9700 और 9750 की जो कॉल है उसके अंदर हमें 6.5 लाख से लेके 8.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट एडिशन होते हुए नजर आया है। तो दोस्तों, आइए एक बार डेली चार्ट्स पर चल के हम निफ्टी की एक रेंज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कि कॉल क्या बनती है। अगर बाजार के अंदर सेलिंग की बात की जाए तो एक बार के लिए यहाँ पर सेलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि 100 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे का ब्रेकडाउन एक हम नेगेटिव तो कह सकते हैं, लेकिन न्यू सेलिंग के लिए यहाँ पर बाजार बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हो सकता है हम यहाँ से कोई बाउंस बैक देखने को मिल जाए, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि बाजार के अंदर थोड़ा दूर रहें, दूरी बनाए रखें बाजार से, अपने कैश के ऊपर बैठे रहें। जो अपनी 50% कैपिटल जो इन्वेस्ट कर चुके हैं उसके ऊपर टाइटली बैठे रहे, क्योंकि बाजार ये नहीं कि यहाँ से 20% या 30% का बड़ा करेक्शन देने वाला है, बाजार यहीं के आसपास कहीं अपना बॉटम बना के ऊपर की तरफ आ सकता है। हो सकता है 9500 तक भी बाजार नीचे की तरफ आ जाए, लेकिन वहां से फिर एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है जो बाजार के अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देगा। तो फिलहाल के लिए बाजार एक नो ट्रेड जोन में है, 1-2 दिन बाजार को वॉच करेंगे और अगले लेवल्स क्या बनते हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, ट्रेडिंग करते रहिए, हैप्पी ट्रेडिंग।